नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल चार पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने चौंकाते हुए मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसके पहले सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कैसा बन रहा है इसे सियासी समीकरण, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यहाँ तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पर चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। आज अगर दूसरे दल लड़ भी रहे हैं तो उनका स्वागत है। हर राजनीतिक दल के पास अधिकार है कि वो अपने संगठन का विस्तार करने की सोचे, दूसरे प्रदेश में भी चुनाव लड़े। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में तालमेल नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर नाराजगी जताई, कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी तक कह दिया था। अब जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली लिस्ट में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को झटका दिया है। इसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। जानकार इसे इंडिया गठबंधन में दरार के संकेत बता रहे हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पे चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि हर दल को अपना विस्तार करने और किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है। सपा या जेडीयू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो इस पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। देश हित में बने गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं तो ये कहूंगी कि एक देश के चुनाव के मद्देनजर इंडिया का गठन हुआ और हमने तो प्रदेश के चुनाव में भी उनसे बातचीत करने की सबसे कोशिश की। और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी लगातार ही कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी धागा है जो कि तमाम मोतियों को पिरो के माला बनाने का काम करता है। हम तो लगातार ही कोशिश करेंगे कि समीकरण ऐसे हों कि हम सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ सकें। पर अगर प्रदेश में नहीं होता तो आप ये कहें कि देश में गठबंधन असफल हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि बहुत ही ये पूर्वानुमान बहुत ही हास्यास्पद है। अखिलेश जी भी इस बात को समझे और उन्होंने बात की स्वीकृति दी है। आज अगर दूसरे दल लड़ भी रहे हैं तो उनका स्वागत है। हर राजनीतिक दल के पास अधिकार है कि वो अपने संगठन का विस्तार करने की सोचे, दूसरे प्रदेश में भी चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 6 सीटें छोड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने उन सीटों पर जब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हो गए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सियासी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि अब तक पार्टी ने 30 साल में कुल 13 विधायक ही अपने खाते में जोड़े हैं। गठबंधन में शामिल दलों आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। हालांकि इन दलों की मंशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि अपना वोट शेयर बढ़ाने की है, लेकिन वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट सचिन के वर्मा जी इस डिबेट में जुड़े हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी इस डिबेट का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि लगातार आपकी पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो यही कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ है वो 2024 के लिए हुआ है, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठाती है कि जब ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है तो फिर मध्य प्रदेश में आप क्यों अलग अलग हैं। तो क्या अभी जो लगातार हम देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है मैदान में, इसे इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पर देखा जाए? संतोष जी, जी संतोष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने दरार देखिए, आप आ रही आवाज? जी 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 जी, आपकी बात रखिए। आप अपने अपने दरार दीजिए देखिए, एक दरार जो है कैलाश विजयवर के इंदौर में है, एक दरार जो है आपके राकेश सिंह जी है, एक दरार आपके प्रहलाद पटेल जी है। तो भारतीय जनता पार्टी से भगदड़ और इतनी निराशा से गुजर रही कि उसको कांग्रेस, भैया हमारा गठबंधन 24 में है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब लड़ रहे हैं, और कोई नई बात तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर बार चुनाव लड़ी है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने 18 साल में इतना भ्रष्टाचार किया कि जो है पूरे जो है कमीशन की 50% कमीशन की सरकार, फोन पे की सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार है। तो भैया आपने 18 साल में किया क्या है? केवल ऐसा कोई आदमी नहीं जिनको शिवराज जी ने ठगा नहीं है, तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और जहां तक जो है मोहन जी बात है कि हमारा गठबंधन 24 में है, इंडिया गठबंधन उसमें हो जाएगा, उसके अंदर आप तो अपनी चिंता करिए ना कि बाढ़ आती है तो शिवराज जी को दो पुलिस वाले जूते खराब नहीं हो जाए तो टांग के ले जाते हैं बाढ़ में, तो बाढ़ भारतीय जनता पार्टी में आई है और भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ दिख रही है ना चारों तरफ से, कपड़े पूरी तरीके से। आप जबलपुर के अंदर देखिए कि जो रिवॉल्वर आज तक इतिहास में कभी नहीं, वो केंद्रीय उसके गनमैन को रिवॉल्वर तान दी वहां के जबलपुर में जीवर पटेरिया जी ने। और मध्य प्रदेश में जहां जहां खबरें जा रही है कि भगदड़ मची हुई है बीजेपी के अंदर, तो दूसरों को अपना खुद का छेद दिख नहीं रहा, दूसरों को देख रहा दरार। अरे दरार तो मध्य प्रदेश के पूरे नेताओं में आ गई, आपके नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और अमित शाह मोदी बीजेपी नहीं आ गई है। और आज अब तो ये हो गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फोटो है बाकी सबकी नीचे टिकली चिपका दे दी। तो भैया अपना देखो, आप कांग्रेस का छोड़ दो, कांग्रेस सरकार आ रही है माननीय कमलनाथ जी, एक महीने बाद आ रहे हैं, आपकी सगाई हो चुकी है, विदाई से चलिए जवाब ले लेते। सचिन जी, दरार इंडिया गठबंधन में नहीं है, बीजेपी में है। जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं कि बीजेपी को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, भगदड़ है, तो क्या कुछ ऐसा है पार्टी में, या फिर आप मानते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल हैं अब वो मध्य प्रदेश में बिखर रहे हैं? देखिए मोहन जी, संतोष जी है वो इस विषय पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं जी, और कूटनीति का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हमारा और एनडी अलायंस जो है जी, इसका झंडा अलग है, हमारा झंडा अलग है, उनका झंडा अलग है जी, हमारा डंडा अलग है, उनका डंडा अलग है जी, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है जी, और भाजपा की रीति नीति, कार्य संस्कार संस्कृति और अनुशासन सब कुछ अलग अलग है जी। ये जो रीति नीति जी और जिस तरह का कार्य संस्कार जो है जी, वो अलायंस के जो गठबंधन के साथी है उनका आपस में मिलता है जी। ये एक ही परिवार के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जिससे मिलके इन्होंने ये इंडिया अलायंस का एक जो घमंडिया गठबंधन जो है वो खड़ा किया है। तो इनका जो वोट बैंक है वो एक ही है, ये एक ही वोट बैंक को टारगेट करता है जी। तो यहाँ पर क्या है कि एसपी को इन्होंने, समाजवादी पार्टी को इन्होंने बोला था कि हम 6 सीटें लेंगे जी, अब वो 45 सीटों पर लड़ने को लेके आ रहे हैं। संतोष जी जरा शांति रखें, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप भी जरा शांति से समझदारी की बहस होने दें। जेडीयू ने 5 सीटों पे ऑलरेडी जो है प्रत्याशी जो है खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक 70 सीटों पे, जहां तक मुझे अंदाजा है कि 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो जो आज ये जो है जो एनडीए अलायंस जो बना था वो सिर्फ एक एजेंडा लेके बना है कि मोदी हटाओ, और हमारा जो नारा है वो है सरकार चलाओ और लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो हमारा जो एक मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम करें। तो एक जो नकारात्मक नेगेटिविटी इनके बीच में है वो ये है कि इनको सिर्फ मोदी को हटाने के लिए साथ में आए हैं, और हम जो है हम लड़ रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं सरकार चलाने के लिए, लोगों का हित करने के लिए।
तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं जी, और हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ये जो फर्क है, इस फर्क को इनको समझना पड़ेगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा संतोष जी को कि ये जो एनडीए अलायंस है ये ग्लोबल अलायंस है, और ये जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे मध्य प्रदेश के, ये बिखर जाएंगे क्योंकि इसके बाद में इनको चुनाव का इलेक्शन लड़ना है जी। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं इस डिबेट में। और जिस तरह से आशीष जी दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना, और हमारा आज का विषय भी है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आपका गठबंधन है, फिर मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर यहां पर हैं, तो हर बार जो चुनाव के समीकरण होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन आशीष जी, क्या आप मानते हैं कि 2023 का जो समीकरण है और 2024 के लिए जो एक परिपाटी तैयार की जा रही है, इसमें इंडिया गठबंधन की भूमिका केंद्रीय स्तर पर तो है, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात है, 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग तरह से ये जो दल है वो नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा और नुकसान आप इन दलों के लिए देखते हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे। आशीष जी, देखिए, इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है और यदि वो चुनाव लड़ते हैं, खासतौर पर ऐसे राज्य में जहां पर कांग्रेस या बीजेपी में दो दलों में सीधा मुकाबला है जी, तो वहां पर ये दल कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान करें जी। इसलिए, लेकिन ये कांग्रेस को नुकसान अगर वो करते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा, वो तो पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते रहे जी। तो इसलिए कोई नई स्थिति कांग्रेस के लिए पैदा होगी मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो जो उनके अलायंस में है और जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी तो उस अलायंस में है नहीं इंडिया में जी। तो इसलिए मुझे समाजवादी पार्टी से जो स्थायी रूप से कांग्रेस को पिछले 4-5 चुनावों से, लगभग 20-22 सालों से, 25 सालों से एक चुनौती मिलती रही है, लेकिन देखिए कभी भी समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा विस्तार या इतना बड़ा प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति पे नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कुछ जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, लेकिन वो कुछ वोट जरूर काटती है। तो ऐसे वक्त में जबकि पिछले चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवारों की हार जीत 200, 500, 1000, 1500 ऐसे वोटों से हुई है जी, वहां पर इस तरह का जो कोई समीकरण यदि आम आदमी पार्टी बना लेती है, वोट हासिल कर लेती है 2000, 4000, 5000 या समाजवादी, तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान कांग्रेस को ही ज्यादा होगा, भाजपा को कम होगा जी। तो सहमति मुझे लगता है कि आप लोकसभा के स्तर पर बनाना चाह रहे हैं और विधानसभाओं के चुनाव में वो सहमति नहीं है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हुआ है इस तरह का, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसका असर लोकसभा चुनाव में जब सीटों के तालमेल पे आएगा या शेयरिंग पे आएगा जी, तो वहां दिखेगा। वहां पे कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से आज जो थोड़ा बहुत टकराव रहा जी, वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को वहां पर फिर बार्गेन करने में दिक्कत आएगी सीटों को लेके। तो अब सहमति राज्य में बने तो उसमें भी एक समस्या है कि जिस पार्टी का प्रभाव नहीं है ज्यादा राज्य में, वहां यदि एक प्रभावशाली पार्टी अपनी टिकट सीटें दे दे तो फिर उस पार्टी का क्वार्टर खत्म हो जाएगा उस जिले से। तो ये बड़ी विसंगतियां हैं कांग्रेस में। अगर चाहे कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी को हर बार की तरह के मुकाबलेबाज मान करके कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी से उसको बहुत सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सॉरी गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो प्रभाव दिखाया था उसमें गुजरात में कांग्रेस को बहुत दूर लाके पटका है, बहुत कम सीमित संख्या में चली गई है वहाँ कांग्रेस जी। तो ये एक सबक है, अब कांग्रेस पर निर्भर होगा कि वो उसको कैसे मैनेज करती है। इंडिया अलायंस के नाम से मध्य प्रदेश में कुछ फायदा लेने की कोशिश करे या कुछ जो भी करे, लेकिन नुकसान निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से कम और आम आदमी पार्टी की ताकत से लड़ गई तो ज्यादा होगा। ठीक है संतोष जी, क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि अब एक तीसरे दल के तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, पंजाब के बाद तो लगातार ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि इस बार सीटें तो बढ़ेंगी मध्य प्रदेश में, तो इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर होगा, वोट शेयर गिरेगा, क्या मानते हैं ऐसा? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही, पिछले बार भी लड़ी थी और इनके प्रदेश अध्यक्ष को जमानत जब्त हो गई थी, यहीं से दक्षिण पश्चिम से लड़े थे, तो ये हर बार लड़ते हैं जी। अपने जो है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है जी। और हर पार्टी को देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, कांग्रेस को इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने पूरी तरीके से चुनावी मोड में सब जगह जाके, इनके पास तो क्या है कि उनने
जो कांग्रेस जो से जो असंतुष्ट है, बीजेपी से असंतुष्ट है, उनको जो है बी फॉर्म दे के अपना वोट बढ़ाने का प्रयास करते हैं जी। बाकी कोई इससे विशेष कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल का जो कुशासन शिवराज सिंह चौहान जी का है, जनता वो देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि मध्य प्रदेश में लूट की सरकार है, फोन पे की सरकार है, 50 करोड़ की कमीशन, 50 करोड़ रुपए ले लेके जो विधायक की खरीद करो भेजी, उसी से तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा। तो बड़ी आशा और विश्वास से जनता की निगाहें लगी हुई है और जनता उसका परिणाम देगी, क्योंकि जनता को दिख रहा है ना कि जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे ब्यूरोक्रेट पूरे अधिकारी डीटा जो टॉपअप पे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश है, मंत्री मुख्यमंत्री जो है जनता की गाड़ी कमाई से खुद की ब्रांडिंग कराते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 50,000 का कर्ज हो जाता है, उसके ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो मध्य प्रदेश की जनता को सब दिख रहा है। तो दिखने के बाद असल में सबसे बड़ी समस्या ये है अमित जी की, जब कोई भी व्यापारी जब दिल्ली से आता है अपनी फैक्ट्री लगाने तो लगाता इसलिए नहीं है कि उनने कहा पैसे इतने ज्यादा लूटे हुए 50% कमीशन दे देंगे तो काम क्या करेंगे। तो लूटा हुआ प्रदेश जो है कमीशन और लोग जो हो गए हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम तो कमीशन राज कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। इसलिए जनता बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रही है और इसीलिए जो है मध्य प्रदेश के सारे नेता नाकारा है। नाकारा इसलिए है कि मुख्यमंत्री का 34 में नाम आ रहा है चौथी में, तो उसका अंदाजा लगाइए ना कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बट गया है, अब आ गए नरेंद्र मोदी बड़े फोटो लेके। तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जनता बहुत बारीकी से देख रही है और इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट अमित जी दिख रही है, इसीलिए आज तक ये पूरे सीट की डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो ये पूरी तरीके से जो है हताशा निराशा से गुजर रहे हैं वो बहुत। चलिए जवाब ले लेते हैं सचिन जी, क्या हताशा और निराशा की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा भी जो अब अन्य दल हैं वो भी इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, क्या सरकार या पार्टी इन्हें किसी भी तरह से अपने लिए चुनौती मानती है? देखिए अमित जी, हम इनको चुनौती इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा और इनका कोई मेल नहीं है जी। ये जो आपस में इनकी नीतियां एक दूसरे से मिलती थी, इनके सोच एक दूसरे से मिलती थी, लेकिन वोट शेयर पर कितना प्रभाव होगा क्या मानते हैं आप? वोट शेयर गिरेगा आपका क्या मानते हैं? वोट शेयर क्या है कि देखिए जब डिबेट होती है या आप लोग हम लोगों को चर्चाओं को मिलाते हैं तब कांग्रेस के जो मित्र है वो ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बेटी है, तो जो इनके साथ में एक अलायंस में है उनको ये टीम घोषित करते हैं चर्चाओं के दौरान, और सपा जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट बोल रही है। तो इस तरह के जो बयानबाजी है उससे किसको नुकसान होगा ये स्पष्ट है। तो भाजपा का जो पिछला चुनाव भी जो हुआ था भाजपा का, जो उसमें भाजपा ने अपना जनाधार नहीं खोया था, हमारे जो वोट शेयर जो था वो इंटैक्ट रहा, और जो निर्दलीय जो जीत के आए थे वो वही लोग थे जो कांग्रेस उसकी पार्टी छोड़कर उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भरा था और वो निर्दलीय जो है जीत के आए थे। तो इस तरह की जो स्थिति जो बनी है उससे जो वोट शेयर जो है उसका फर्क जो है कांग्रेस पे पड़ने वाला है, और ये जो मेमेल गठबंधन है लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अभी एक दूसरे के सामने खड़े हैं और थोड़े दिन बाद 2024 में ये गलबैया डाल के एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो जनता उसको देख रही है। जनता जब थका हुआ अपने आप को महसूस करेगी तो उसका जवाब जो है जनता चुनाव के दौरान देगी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का रुख करेंगे। आशीष जी, इसके पहले अपनी चर्चा में कहा कि जो तीसरा दल है आम आदमी पार्टी, इससे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य दल हैं, क्या आप मानते हैं कि इस बार जो मध्य प्रदेश में मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा या बहुकोणीय होगा? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूं जी। आशीष जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया कि कांग्रेस को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन वही जो दूसरे दल हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? क्या सिर्फ भाजपा कांग्रेस के बीच होगा, भाजपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के बीच होगा? देखिए अभी तो मुकाबला मुझे द्विपक्षीय ही नजर आता है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही ये मुख्य मुकाबला है जी। लेकिन 2 तारीख को जब नाम वापसी की तिथि खत्म हो जाएगी तब मैदान में स्थितियां सामने आएंगी कि कौन कौन कितने मुकाबलेबाज हैं और क्या स्थितियां बनती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या जयस संगठन हो या जो
और दल हैं आप और समाजवादी पार्टी के अलावा, ये इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइज पार्टियां नहीं है, इसलिए ये कहीं किसी जगह पर कुछ वोट हासिल करने की स्थिति में अगर होंगे भी तो जो ऑर्गेनाइज पार्टियां हैं खासतौर पर कांग्रेस या भाजपा जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने मैकेनिज्म से इन पार्टियों पर कंट्रोल करती रही है पहले भी और अभी भी कर सकती है। लेकिन देखिए क्या है, कई बार जनता भी इस तरह से सोचती है कि जो पार्टी सत्ता में आ सकती है या जो पार्टी सत्ता में है वो अपना वोट उनको देने की कोशिश करती है, कई बार इस तरह से वोट खर्च नहीं हो पाता है। तो ये छोटे दल जो है ये हमेशा प्रभावशाली उपस्थिति कभी समय समय पर ही दिखा पाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी का एक सर्टन वोट है मध्य प्रदेश में, तकरीबन 9% वोट वो लगातार स्थायी रूप से समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। पिछले चुनाव में एक अपवाद था जब वो 4% कम हुआ था। तो ये जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अब आम आदमी पार्टी, मैं फिर कहूंगा कि ये तीन दल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेगमेंट में इन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की संभावनाओं को कभी किसी जगह पर कमजोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दलों को सतर्क रहने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी दूसरी बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पिछली बार से इस बार की स्थितियां अलग हैं। उसकी दो दलों, दो राज्यों में सरकारें हैं और वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है और गुजरात का तजुर्बा सबने देखा है। तो इसलिए ये दल कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे और उस स्थिति में किसी बड़े दल को वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, भले हार जीत का अंतर ना आए लेकिन उनका वोट शेयर बढ़ेगा, वही उनकी मेन रणनीति है कि वोट शेयर बढ़ाएं। बिल्कुल, भले सरकार ना बन पाए लेकिन वोट शेयर बढ़े, कुछ सीटों पर प्रत्याशी जीत कराएं, ये भी एक रणनीति हो सकती है। संतोष जी, क्या आप मानते हैं कि जैसे पिछोर की हम बात करें, वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। धांधला के भी हमारे पास सर्वे सामने आया जिसमें 5 बार कांग्रेस जीती है और जेडीयू ने यहां पर मुसीबत खड़ी कर दी है, तो ये जो दूसरे दल हैं इन्हें किस तरह से आप कांग्रेस साधने का प्रयास करेगी? देखिए पिछोर हम लगातार जीतते आ रहे हैं और पिछोर में जैसे अब ये हर चीज जो आंकड़े लगाए जाते हैं, पिछोर में ऐसे कोई मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है जी। कोई भी लड़ता है, इसका कोई प्रभाव वाला कोई ऐसा आदमी नहीं लड़ रहा है, स्थिति पलट जाए तो केपी सिंह जी का क्षेत्र रहा है, किशोर हमेशा लगातार जीतते आ रहे हैं। और ये जो मैंने जो बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले बार भी जो है आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी, समाजवादी भी लड़ी थी, हर पार्टी लड़ी थी, जनता जो है, जनता वो प्रतिनिधि चुनती है जो उनके सरकार में मतलब सरकार बने उसका फायदा हो, इसलिए जनता सरकार देख के वोट देती है, या तो विपक्ष को देगी या पक्ष को देगी, उसमें किसी पार्टी को स्थान नहीं रहता है। उनका स्थान जरूर रहता है कि जो कांग्रेस पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से निकल के दूसरे दलों से लड़ते हैं तो उसका प्रभाव रहता है, तो वो नुकसान पहुंचता है, तो वो तो किसी को भी नुकसान हो सकता है, उसमें कोई ऐसा कोई वो है नहीं, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से भी ज्यादा क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो बहुत चलिए मैं जल्दी से एक फाइनल कमेंट लूंगा सचिन जी से। सचिन जी, क्या 50 सीटों पर भी भाजपा नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी स्थिति है? देखिए स्थिति तो उल्टी होने वाली है जी। कांग्रेस जो है वो सिर्फ मीडिया में है, अखबारों में है जी, गांव में और बूथों पे बिल्कुल नहीं है। तो ये जो स्थिति जो है कांग्रेस के लोगों को मालूम है जी, कांग्रेस सिर्फ वहां जीत सकती है जहां पर थोड़ा बहुत कहीं कोई कास्ट का या कोई इक्वेशन अगर चल गया तो चल गया, बाकी कांग्रेस जो है कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, कार्यकर्ता जो है जनता जो है भाजपा के साथ में है और भाजपा को ही वोट करेगी। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इनके साथ जो अन्य दल हैं वो भी सियासी मैदान में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो मतदाता का मन है उसका रुझान किस ओर जाता है। दावे सभी के हैं, चुनावी वादे सभी के हैं, लेकिन जो फैसला है वो जनता के ही हाथों में है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इससे जुड़ने में और इसके लिए, इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।